हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूं उज्जवल सक्सेना और आज मैं हूं मोटरक्राफ्ट वैशाली में। आपको सबको पता लग ही गया होगा सर को देख के। जी हाँ, मेरे साथ हैं जावेद जी और आज मैं फिर से रिव्यू करने आया हूं मारुति सुजुकी स्विफ्ट के थर्ड जनरेशन के वैल्यू फॉर मनी वेरियंट का। जी हाँ, वी वेरियंट का। तो चलिए सबसे पहले आपको एक वॉक अराउंड देता हूँ, इन द मीन टाइम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊंगा, उसके बाद डिटेल रिव्यू को स्टार्ट करेंगे। देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें और इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की अपडेट पाएं सबसे पहले। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूं इंडियन कार मैन्युफैक्चरर मारुति सुजुकी की स्विफ्ट 2018 के वैल्यू फॉर मनी कहे जाने वाले वी वेरिएंट का। वी पेट्रोल में VXI के नाम से आता है और डीजल में VDI के नाम से मार्केट में आता है। वैसे तो मैंने सारे फैक्ट्स एंड फिगर जेड प्लस का वेरियंट का जो रिव्यू किया था उसमें दे दिए थे, ऊपर आई बॉक्स में आ रही भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको जनरली कुछ फैक्ट्स एंड फिगर बताऊं तो पेट्रोल का बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है 4.99 लाख से और टॉप एंड वेरिएंट जाता है 7.29 लाख तक, और डीजल का बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है 5.99 लाख से और टॉप एंड वेरिएंट जाता है 8.29 लाख तक। पेट्रोल और डीजल दोनों में ही हमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये आप देख रहे हैं मैग्मा ग्रे कलर, ये हमें व्हाइट, रेड, सिल्वर, ब्लू और ऑरेंज कलर ऑप्शंस में भी अवेलेबल है। यूरो एनकैप क्रैश टेस्ट जो 2017 में किया गया था उसमें स्विफ्ट को सेफ्टी रेटिंग्स में 3-स्टार रेटिंग मिली थी और सेफ्टी पैक इंस्टॉल्ड वाले वेरिएंट को 4-स्टार रेटिंग मिली थी। चलिए अब बात करते हैं नई स्विफ्ट के फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। तो इसमें हमें नया रीडिजाइन कर्वी ऑल ब्लैक फ्रंट ग्रिल मिलेगा विद वर्टिकल स्लैट्स, जो ओवरऑल थर्ड जनरेशन स्विफ्ट की स्पोर्टी और एग्रेसिव और मस्कुलर फ्रंट लुक को काफी इन्हेंस कर रहा है। अब बात करूं हेडलैम्प्स के बारे में, तो इसमें हमें नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प्स मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं क्लोजर लुक हेडलैम्प्स का, रीडिजाइंड हमारे हेडलैम्प्स भी कर दिए गए हैं। फॉग लैम्प्स के बारे में बात करूं तो वी वेरिएंट में फॉग लैम्प्स नहीं दिए गए हैं। फ्रंट बम्पर में फॉग लैम्प हाउसिंग और एयर डैम को इंटीग्रेट कर दिया गया है, मतलब एयर डैम्स के साइड में फॉग लैम्प हाउसिंग दी गई है, तो हम जो आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक गाड़ी दिखाऊंगा जिसमें वी वेरिएंट में फॉग लैम्प जो है इंस्टॉल्ड है और नॉर्मल एक्सेसरीज जो मोटरक्राफ्ट ने इंस्टॉल कर रखी है। गाड़ी की साइड प्रोफाइल के में सबसे पहले बात करें व्हील्स के बारे में, तो वी वेरिएंट में हमें 14 इंच के स्टील व्हील्स मिलेंगे और इसमें हमें फुल व्हील कवर्स भी दिए जाएंगे, तो मैं लास्ट में जो वीडियो दिखाऊंगा उसमें मिल जाएंगे आपको देखने को। इसमें अभी व्हील कवर इंस्टॉल्ड नहीं है। ब्रेक्स के बारे में बात करूं तो इसमें हमें ड्रम ब्रेक्स, डिस्क ब्रेक मिलेंगे फ्रंट में, और ये आप देख रहे हैं बॉडी कलर्ड ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स जिसको हम इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, और बॉडी कलर्ड ही हमारे डोर हैंडल। और सेफ्टी में हमें इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS, EBD ब्रेक असिस्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट स्टैंडर्ड मिलेगा। ये आप देख रहे हैं ब्लैक आउट बी पिलर और सी पिलर पर नया हमें हैंडल मिलेगा अब सी पिलर पर डोर ओपन करने के लिए। स्विफ्ट में अनलोडेड कंडीशन में 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है और रेयर व्हील में हमें ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। और सिक्योरिटी की बात कर रहा था मैं, इसमें हमें स्पीड सेंसिंग, ऑटोमेटिक डोर लॉक, सेंटर डोर लॉक, फ्रंट सीट बेल्ट, प्रीटेंशनर विद फोर्स लिमिटर और रिमाइंडर बजर अलार्म भी मिलेगा, और हेडलैम्प्स ऑन रिमाइंडर भी मिलेगा। ये आप देख रहे हैं रेयर कॉम्बिनेशन LED टेल लैम्प्स स्विफ्ट की रेयर प्रोफाइल में, और साइड में स्विफ्ट की कुछ बैजिंग। चलिए आपको बूट ओपन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले बता दूं कि बूट ओपन करने के लिए स्विफ्ट में हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन सेंसर दिए गए हैं, तो आप बटन प्रेस करके ही जो है बूट को ओपन कर सकते हैं। टोटल इसमें हमें 268 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, और ऊपर पार्सल ट्रे इल्यूमिनेशन इसमें वी वेरिएंट में हमें नहीं दी गई है। स्पेयर व्हील और टूल किट हमें नीचे मिल जाएगी। तो चलिए अब आपको ये हमारी पार्सल ट्रे, चलिए बूट को क्लोज करते हैं, और रेयर वाइपर वॉशर और डिफॉगर नहीं मिलेगा, नॉर्मल हमें पावर एंटीना मिलेगा, और रेयर स्पॉइलर में हमें LED हाई माउंटेड ब्रेक लाइट्स मिल जाएंगी। चलिए अब आपको जो है ड्राइवर साइड डोर ओपन करके दिखाता हूँ। इसमें हमें रिमोट कीलेस एंट्री सिस्टम मिलेगा,
तो हम की से ही कार को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। ड्राइवर साइड डोर कुछ इस तरीके का दिखेगा, ऑल ब्लैक इंटीरियर्स में। क्लोजर लुक दिखाता हूं मैं आपको, ये क्रोम फिनिश्ड हमारे डोर ओपनर। ये ORBM और पावर विंडो के कुछ कंट्रोल्स। साइड में कुछ स्पेसिंग मिलेगी हमें सामान रखने के लिए, जिसमें ड्राइवर साइड ऑटो डाउन मिलेगी। साइड में कुछ स्पेसिंग और ब्लैक फैब्रिक पैडिंग दी गई है फ्रंट डोर में। डोर पे नीचे बॉटल रखने के लिए कुछ स्पेसिंग और साइड में कुछ और स्पेसिंग मैगजीन न्यूज़पेपर वगैरह रखने के लिए। और टोटल 4 स्पीकर्स मिलेंगे हर डोर पे। ये आप देख सकते हैं फ्रंट कैबिन का लुक पूरा। एसी वेंट के बारे में बात करूँ तो ऑल ब्लैक एसी वेंट मिलेगा, कोई क्रोम या सिल्वर फिनिशिंग नहीं मिलेगी। नीचे हेडलाइट लेवल एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स और मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट है तो नीचे 3 पैडल्स मिलेंगे। और अगर हम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेते हैं तो ड्राइवर साइड फुटरेस्ट मिलेगा। ये फ्रंट कैबिन लुक ऑल ब्लैक इंटीरियर्स में, जिसमें सीट कवर इंस्टॉल कर दिए गए हैं मोटरक्राफ्ट की तरफ से। ड्राइवर सीट को हाइट को हम मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं वी वेरिएंट में। चलिए अब अंदर बैठता हूँ और आपको दिखाता हूँ इंटीरियर्स। तो ये है पावर एंड टिल्ट, फ्लैट बॉटम 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, जिसमें थोड़े बहुत सिल्वर इंसर्ट्स दिए गए हैं। स्टीयरिंग में हमें कुछ कंट्रोल्स भी मिल जाएंगे। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, जिसमें मोटरक्राफ्ट ने स्टीयरिंग व्हील कवर इंस्टॉल किया गया है। इसमें लेदर स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलेगा हमें वी वेरिएंट में। लेफ्ट साइड में जो कुछ कंट्रोल्स हैं, मीडिया के कंट्रोल्स हैं, वॉल्यूम अप डाउन म्यूट, और नीचे कॉल कट रिसीव और ब्लूटूथ के कंट्रोल्स दिए गए हैं। राइट साइड में हमें कोई कंट्रोल नहीं मिलेगा। चलिए अब आपको मैं की दिखाता हूं। तो यह है स्विफ्ट की, जिसमें लॉक और अनलॉक के कंट्रोल्स दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं स्विफ्ट की। चलिए मैं आपको की इंसर्ट करता हूं कार में और आपको दिखाता हूं न्यू इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। तो ये स्पोर्टिव व्हाइट कलर इल्यूमिनेटेड इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, डुअल सर्कुलर डायल्स और बीच में MID स्क्रीन मिलेगी। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर लेफ्ट में हमें टैकोमीटर या RPM मीटर मिलेगा। मिडल में MID स्क्रीन है, वो डिस्प्ले करेगी आउटसाइड टेम्परेचर वी वेरिएंट में अगर हम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन लेते हैं। बाकी डिजिटल क्लॉक, फ्यूल मीटर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन में और गियर पोजिशन इंडिकेटर AMT मॉडल में हमें मिलेगा। और राइट में स्पीडोमीटर, स्विफ्ट में हमें इंजन इमोबिलाइजर स्टैंडर्ड मिलेगा। मिडल AC वेंट्स के बारे में बात करूं तो अब इसमें हमें सर्कुलर शेप के मिडल AC वेंट्स मिलेंगे। और नीचे हमें मिलेगा मारुति का स्टैंडर्ड ऑडियो प्लेयर सिस्टम। ये सिस्टम सपोर्ट करता है ब्लूटूथ, USB, AUX, CD, MP3, AM, FM। टोटल इसमें हमें 4 स्पीकर्स मिल जाएंगे हर डोर पे। और म्यूजिक सिस्टम आप देख सकते हैं पूरा लुक, मारुति का स्टैंडर्ड म्यूजिक सिस्टम है ये। और नीचे हमें मिलेगा सेम मारुति सुजुकी का 3 डायल नॉब वाला मैनुअल AC कंट्रोल यूनिट विद हीटर्स। और उसके नीचे हम देख सकते हैं 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट मिलेगा। और उसके साइड में USB और AUX के पोर्ट्स दिए गए हैं मोबाइल वगैरह रखने के लिए, नीचे कुछ स्पेसिंग। ये 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। स्पेसिंग के पीछे हम देख सकते हैं 2 कप होल्डर्स। और ये 5 स्पीड मैनुअल गियर लीवर विद पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ। को ड्राइवर साइड डोर पैनल कुछ इस तरीके का दिखेगा, ऑल ब्लैक पैनल मिल जाएगा इसमें, कोई सिल्वर या क्रोम हाईलाइट नहीं है। फैब्रिक ब्लैक पैडिंग, ये कुछ स्पेसिंग और साइड में पावर विंडो के कुछ कंट्रोल्स। ये आप देख सकते हैं ग्लव बॉक्स, और ग्लव बॉक्स के ऊपर सिल्वर हाईलाइट्स दी गई है हमारे डैशबोर्ड पर को ड्राइवर साइड ड्यूअल टोन देने के लिए। को ड्राइवर साइड सनशेड पे वैनिटी मिरर मिलेगा। और ये हमारी सेंटर कैबिन लाइट पैनल और डे नाइट का IRVM। मैं आपको लाइट्स ऑन करके दिखाता हूँ सेंटर लाइट्स का पैनल। तो ड्राइवर साइड जो सनशेड है उसमें वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। टिकट रखने के लिए स्ट्रैप दी गई है।
सिक्योरिटी के बारे में बात करूँ तो सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम इनबिल्ट मिलेगा, जिसको एक्टिवेट करके अगर हमारी एब्सेंस में गाड़ी को कुछ इम्पैक्ट होता है तो लाइट ब्लिंक करेगी हमारे पार्किंग सेंसर्स के नीचे, तो दिखाएगा कि हमारी गाड़ी में इम्पैक्ट हुआ है हमारी एब्सेंस में। चलिए अब ड्राइवर साइड से निकल कर रेयर पैसेंजर कैबिन दिखाता हूँ। एक और जो सबसे बड़ा चेंज मारुति ने थर्ड जनरेशन स्विफ्ट में किया है वो है रेयर कैबिन पे हमारे सी पिलर पे हमारा डोर हैंडल मिलेगा, नीचे नहीं है, तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन बाद में आदत हो जाएगी। ये ऑल ब्लैक पैसेंजर साइड डोर ओपनर पे हम देख सकते हैं क्रोम फिनिशिंग, और नीचे पावर विंडो के कुछ कंट्रोल्स और साइड में कुछ स्पेसिंग। रेयर पैसेंजर डोर पे हमें फैब्रिक पैडिंग नहीं मिलेगी, प्लास्टिक पैडिंग मिलेगी, और नीचे बॉटल रखने के लिए स्पेस मिलेगी हमें बस। और ये हमारा रेयर पैसेंजर कैबिन जिसमें हम देख सकते हैं हेडरेस्ट हमें इंटीग्रेटेड ही मिलेंगे, एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलेंगे। ड्राइवर और को ड्राइवर साइड वाले हमें हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलेंगे। चलिए अब अंदर बैठता हूँ और आपको दिखाता हूँ मिनिमम एंड मैक्सिमम लेग रूम। प्रेजेंटली मैंने ड्राइवर साइड को बिल्कुल पीछे करा हुआ है, तो आप देख सकते हैं मेरी हाइट 6 फीट है, तो नी जो है ड्राइवर सीट से टच हो रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये बीच में बॉटल रखने के लिए कुछ स्पेसिंग रेयर पैसेंजर्स के लिए, और ये हम देख रहे थे हमारा हैंड ब्रेक्स और फ्रंट डैशबोर्ड का लुक कुछ इस तरीके का आएगा रेयर पैसेंजर कैबिन से। रेयर पैसेंजर्स के लिए कोई रीडिंग लाइट या कैबिन लैंप नहीं दिए गए हैं। चलिए अब आपको मैक्सिमम लेगरूम दिखाता हूँ। तो इस बार मैंने को ड्राइवर सीट को बिल्कुल आगे करा हुआ, तो मैक्सिमम लेगरूम देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा लेगरूम मिलेगा हमें। ड्राइवर और को ड्राइवर सीट पे पीछे हमें पॉकेट्स मिल जाएंगे तो कुछ सामान रखने के लिए। वी वेरिएंट में हम रेयर सीट को स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, जेड में 60-40 स्प्लिट कर सकते हैं, मगर वी वेरिएंट में हम रेयर सीट्स को स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आपको बोनट ओपन करके दिखाता हूँ मैं इसका इंजन। स्विफ्ट के पेट्रोल वेरिएंट में आपको पहले दिखाता हूँ इंजन। तो फ्रंट कैबिन में यहाँ से हम अपना बोनट ओपन कर सकते हैं लीवर को प्रेस ओपन करके। तो इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो स्विफ्ट के पेट्रोल वेरिएंट में हमें मिलता है 1200 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। तो 1200 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा जो देगा 113 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क 4200 आरपीएम पे। और बात करें डीजल वेरिएंट की तो डीजल में हमें मिलेगा 1248 सीसी का 4 सिलेंडर का इंजन जो देगा 190 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क 2000 आरपीएम पे। चलिए अब आपको मैं अंदर दिखाता हूँ वी वेरिएंट, जिसमें मोटरक्राफ्ट ने कुछ एसेसरीज इंस्टॉल कर रखी हैं जिनको आप भी जो है लगवा सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं वी वेरिएंट जिसमें मोटरक्राफ्ट ने कुछ एसेसरीज इंस्टॉल कर रखी हैं, जैसे कि फॉग लैंप्स जिसको आप लगवा सकते हैं 3600 के प्राइस पे। बाकी आप देख सकते हैं बम्पर कॉर्नर्स और साइड प्रोफाइल में भी साइड बेडिंग वगैरह मोटरक्राफ्ट ने इंस्टॉल कर रखी है स्विफ्ट के वी वेरिएंट में। ये आप देख रहे हैं सिल्वर कलर। व्हील कैप्स भी हमें मिलेंगे जैसा कि मैंने बताया वी वेरिएंट में हमें फुल व्हील कवर्स मिल जाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं स्विफ्ट की एसेसरीज के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाऊँ डिटेल्ड में विद प्राइसेस, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा जिसमें सारी एसेसरीज जो भी अवेलेबल हैं नई स्विफ्ट की वो इंस्टॉल करके आपको दिखा दूंगा मैं। तो 2018 स्विफ्ट हर्टेक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, हाई टेंसाइल स्टील यूज़ किया गया है सेफ्टी को इंक्रीज करने के लिए। You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own. तो कैसा लगा आपको मेरा रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी आप अगर आप स्विफ्ट खरीदना चाहते हैं और मोटरक्राफ्ट वैशाली विजिट कर सकते हैं और सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, सर आपकी पूरी असिस्ट करेंगे। कोई भी गाड़ी आप खरीदना चाहें तो सर की कांटेक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ऐसे ही रिव्यूज़, अपडेट्स, टिप्स और ट्रिक्स को मिस ना करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और हाँ, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट और बाइक चलाते समय हेलमेट लगाने में बिल्कुल ना शर्माएं, ये आप ही की सेफ्टी के लिए है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।